Yo, what's up guys, Ujwal here. I'm a streamer and member of the Omen Squad. Welcome to my video series to help you get good at Minecraft. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को Minecraft Bed Wars की कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिन्हें देख के सच्ची में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, जिन लोग को नहीं मालूम आखिर ये Bed Wars क्या है उनके लिए तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और जिन्हें मालूम है Bed Wars क्या होता है आप लोग तो भाई आ जाओ वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आखिरकार Bed Wars क्या है। तो Bed Wars Minecraft का एक कस्टम गेम है जिसमें अलग अलग टीम्स होती हैं अलग अलग कलर की, और हर टीम के पास अपना एक बेड होता है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना होता है और दूसरे के बेड डिस्ट्रॉय करके एंड तक सर्वाइव करना होता है। है ना अमेजिंग। तो इस वीडियो को ना मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, फर्स्ट है डिफेंसिंग एंड सेकंड है अटैकिंग, क्योंकि बेड वॉर्स में हम लोग अपने बेड को प्रोटेक्ट करके भी जीत सकते हैं या फिर दूसरे के बेड पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करके भी जीत सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफेंसिंग की। टिप नंबर वन, तो बेड वॉर्स मैच की शुरुआत एक स्काई आइलैंड से होती है जिसमें चारों तरफ मस्त स्काई पर नीचे डेंजरस वॉइड होता है जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं गिरना है। बट बाय चांस अगर आप लोग गिर भी जाते हो तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बेड सेफ है तब तक आपको कोई मारे या फिर आप खुद से मरो आप लोग बार बार ही रिस्पॉन होते रहोगे। लेकिन अगर आपका बेड एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो आप लोग इसमें दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे, आप लोग हार जाओगे, मैच से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए अपने बेड को सेफ करना है अगल बगल के अपोनेंट से, क्योंकि उनके भी आइलैंड आमने सामने ही होते हैं, वो लोग कभी भी आके हमारा बेड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अपने बेड को सेफ करने के लिए हमें यहाँ से आयरन एंड गोल्ड कलेक्ट करना है, और उन आयरन एंड गोल्ड से हमें प्लेयर शॉप में जाके कुछ सामान खरीदना है ताकि हम लोग अपने बेड को कवर कर पाएं। तो बेस्ट सामान ये रहेगा कि आप लोग कुछ वुड खरीद लो और फिर ग्लास खरीद लो। आप लोग सोच रहे हो यार वुड तो ठीक है बट ये ग्लास का क्या रोल है, ग्लास तो कच्चे होते हैं ना। वेट, मैं आपको बताता हूँ इसमें ग्लास का क्या रोल है। ग्लास कच्चे होते हैं लेकिन ये जो ग्लास है ना ये ब्लास्ट प्रूफ होते हैं बेड वॉर्स में। मतलब कि अगर आपके बेस पे कोई टीएनटी रखता है या फिर कोई बड़े ब्लास्ट करने की प्लानिंग से आता है तो आपके बेस को कुछ नहीं होने वाला, मीन्स आपका जो बेड है वो एक ब्लास्ट से सेफ हो जाएगा ग्लास की वजह से। तो इसीलिए वुड लगाने के बाद आपको पूरा इसे ग्लास से कवर कर देना है। अब जब एक बारी आपके बेड की वुडन लेयर ग्लास से पूरी कवर हो जाए, मीन्स आपका बेड पूरा ब्लास्ट प्रूफ हो जाए, तो एक बारी चारों तरफ से चेक कर लेना कि कहीं से ग्लास लगाना बाकी तो नहीं रह गया। बट अगर कंप्लीट है तो आपको क्या करना है, इस ग्लास को छुपाना है, और इस ग्लास को छुपाने के लिए आपको थोड़ा बहुत आयरन चाहिए होगा, और इस आयरन से आप लोग यहाँ से टेराकोटा ले सकते हो, वूल ले सकते हो। और ग्लास छुपाना क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे टेराकोटा और हार्ड रहता है बट थोड़ा महंगा होता है, इसलिए अपना बेड अभी बहुत सेफ हो चुका है, हम लोग बस इस पे वूल लगाते हैं। हाँ, तो ग्लास हमें छुपाना इसलिए ताकि सामने वाले एनिमी को ये ना पता चले कि अंदर ग्लास है, और जब वो हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, मीन्स अपने टीएनटी लेकर हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, तो उसके सारे के सारे टीएनटी वेस्ट हो जाएंगे और वो बेचारे का पैसा खराब हो जाएगा। और इसमें बेड वॉर्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है सामने वाले बंदे का पैसा खराब करा के उसको पीटना। टिप नंबर टू, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बस अपने बेड को कवर करने में रह जाते हैं और सामने वाला अपोनेंट हमारे ऊपर अटैक कर देता है और वो कुछ इस तरीके से टीएनटी गिरा देता है आपके बेड के ऊपर। बट आपको चिंता नहीं करनी, आपको वेट करना है, जैसे इसके सारे टीएनटी खत्म होना अब इसको पीटो, बस खटाई खट आपको अटैक करते जाना है और वो बंदा लपेट जाएगा। उसको लग रहा होगा हमारा बेड टूट गया बट हमारे बेड को तो कुछ हुआ ही नहीं, ग्लास नहीं फूटने वाले। टिप नंबर थ्री, तो जब कोई ओपोनेंट एक बारी आपके बेस तक पहुंच जाता है ना तो उसे ऑलमोस्ट 80% आइडिया लग जाता है कि आखिर आपने अपने बेस को कितना मजबूत बनाया है। तो हो सकता है अगली बार जब वो अटैक करे तो वो आपके बेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करेगा। तो बेटर ये रहेगा जितना गोल्ड है उससे आयरन का आर्मर ले लो जो कि परमानेंट आपके पास रहेगा, और एक आयरन सॉर्ड ले लो और उसकी बैंड बजाने के लिए रेडी हो जाओ। और एक और चीज, जितना बेड टूटा था ना उसे दोबारा कवर करना बिल्कुल मत भूलना। टिप नंबर फोर, जब हम लोग फुल डिफेंस खेल रहे होते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कोई ओपोनेंट ऐसा भी आ जाता है जो बार बार आके बस टीएनटी गिराता रहता है हमारे बेस पे, फायर चार्ज मारते रहता है और थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहता है, हम लोग बार बार ही रिपेयर करते रहते हैं तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसका ना एक मस्त जुगाड़ है, आप लोग एक बो खरीद लो जो कि कुछ ही गोल्ड में आएगी, और जैसे ही वो आपके बेस पे अटैक करे तो आप लोग उसके बो चटका दो भाई, वो रस्ते में ही गिर जाएगा या फिर वो डर के मारे आप तक आएगा ही नहीं, क्योंकि जो इसमें एरो है वो बहुत दूर तक जाती है और बहुत तेज लगती है। टिप नंबर फाइव, सेम सिचुएशन, मींस अगर आपके ऊपर पूरी पूरी स्क्वाड अटैक करे आपका बेस तोड़ने के लिए तो आप लोग क्या करो, फायर चार्ज खरीद लो, क्योंकि जब ज्यादा बंदे आते हैं ना तो एरो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, लेकिन फायर चार्ज ना भाई पूरी पूरी स्क्वाड को अकेले उठा के नीचे फेंक सकती है,
क्योंकि ये एरिया ही डिस्ट्रॉय कर देती है। टिप नंबर 6, हम लोग पूरे टाइम अपने बेस पे बैठ के बेड को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब सबके बेड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर पीछे से डेंजर जोन आता है, जिस चक्कर में हमें सेंटर में जाके फाइट करनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन के आने से पहले आप लोग फुल प्रिपेयर हो जाओ, मींस वाली सिचुएशन आने ही मत दो, अपने अपोनेंट्स को पहले जाके मार दो। और उन्हें मारने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान खरीदना होगा, जो जो मैंने अभी खरीदा है। फॉर एग्जांपल आपको गोल्डन एप्पल, टीएनटी, फायर चार्ज और कुछ वोल्स ही होगी। और गोल्डन एप्पल इसलिए चाहिए क्योंकि इससे 2 extra hertz बढ़ जाते हैं, जो कि काफी अमेजिंग है। और अपोनेंट पे अटैक करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ब्रिजिंग तो यार देखो करनी पड़ेगी, मींस आपको थोड़ा बहुत रास्ता खुद बनाना होगा। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वूल लगाते समय हमेशा क्राउच करके रखना है। और जब आप लोग ओपोनेंट की बेस पे पहुंच जाओ तो ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ओपोनेंट भी फुल प्रिपेयर रहते हैं और वो आपको ऐसे एरो मार सकते हैं। तो एरो जब भी वो मारे आपको आराम से फुल एकदम कवर बना लेना है और हमेशा क्राउच करके रखना है यार, ठीक है। और कवर आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो, आपको वेट करना है एक ऐसी सिचुएशन का जब आप लोग उसके ऊपर अटैक कर सको या फिर उसकी एरो खत्म हो जाए। तो यहां पर हमें आराम आराम से वो लगा के कवर बनाना है और थोड़ा बहुत वेट करना है। जैसे ही उसकी एरो खत्म हो जाए या फिर जब वो अटैक करना बंद कर दे, तब हमें चुपचाप से रास्ता बना के आगे निकलना है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये खत्म ही उग गया, उसकी एरो जब खत्म हो जाए तभी आपको एकदम मस्त मौका है। बट हाँ, जब तक वो आप पे अटैक कर रहा है आपको फॉल बैक करना पड़ेगा या फिर आप उसके मुंह पे फायर चार्ज भी मार सकते हो। और डरना नहीं है कि उसका बेस कितना डेंजरस है, मतलब कितना भी डेंजरस हो आप तोड़ सकते हो, बस आपको अपने साथ पिकैक्स और एक्स जरूर लानी है, जो कि मैं अभी अपने साथ नहीं लाया हूं। और ये देखो, ये इसका चोमूसा बेस है, इसने बस इसमें वुड और वूल लगा रखा है, पक्का इसने ब्लास्ट प्रोटेक्शन के लिए ग्लास नहीं लगाए होंगे, इसीलिए अपने जो टीएनटी है वो इसके बेस के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इसके 5 TNT कुछ नहीं कर पाए और हमारे 2 TNT ने इसका पूरा बेस तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया है। अब वेट, आपको क्या करना है, इसको मारने के बाद मीन्स अपने ओपोनेंट को मारने के बाद ना छुपना है कहीं पे। ये सबसे बेस्ट जगह होती है छुपने के लिए, क्योंकि ओपोनेंट जब भी जिंदा होता है वो हमेशा सोचता है कि बेड डिस्ट्रॉय करने क्या होगा, बट हम लोग तो पीछे हैं, अब डिस्ट्रॉय करेंगे बेड और अब करेंगे उसका गेम दी एंड। अब दी एंड करने के लिए आप लोग अपना फालतू सामान यूज कर दो और इसे आराम से धप्पा कर दो। और इतना याद रखना, बेड वॉर्स में अटैक करने के लिए क्रिटिकल के लिए मत जाना, नॉर्मली आपको कॉन्टिन्यूसली बटन दबाना है रख रख के, इसमें कॉम्बो चलते हैं, क्रिटिकल हिट्स नहीं चलते। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अटैकिंग के बारे में। इसमें हमें अपने बेड को बचाने से ज्यादा अपोनेंट्स के बेड को तोड़ने पे ज्यादा ध्यान देना है। तो फटाफट से कुछ नहीं करना बेड पर ना, बस थोड़ा बहुत वुल या वुड लगा दो जिससे सामने वाले ओपोनेंट को इतना लगे कि यार हाँ इतना भी कच्चा नहीं है, मतलब एकदम खुला बेड छोड़ना भी ना यार थोड़ा सा रिस्की होता है। इसे जल्दी से काम करो, थोड़ी बहुत वुड खरीद के इसे ना इस तरीके से कवर करना, मतलब चारों तरफ से कवर हो जाता है इस स्ट्रैटेजी से अगर आप करोगे, और आपकी सारी वुड भी यूज हो जाएगी और ओपोनेंट का लगेगा हाँ भाई तगड़ा कवर कर रखा, हल्का नहीं है, क्या पता अंदर उसने ऑब्सीडियन रखा हो, उसको क्या पता अंदर वुड रखी हुई है। तो इसीलिए इस तरीके से आप लोग फटाफट से फुल स्पीड में आपको कवर कर देना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितना टाइम आप यहाँ पे वेस्ट करोगे उतनी देर में आपके ओपोनेंट्स अपने बेस को मजबूत बनाते जाएंगे, और हमें तो सबके बेड तोड़ने हैं ना, इसीलिए सबसे पहले आयरन वायरन सब इकट्ठा कर लो। और यहाँ से आपको परचेस करना होगा सबसे पहले आयरन आर्मर, क्योंकि ये परमानेंटली रहता है, अगर हम मरेंगे तो ये जाएगा नहीं, हमारे पास ही रहेगा। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ढेर सारा आयरन मींस वूल खरीद लेना है ब्रिजिंग के लिए। टिप नंबर 2, टाइम टू अटैक। हमने बहुत सारा आयरन और गोल्ड इकट्ठा कर लिया है, इतना है कि एक TNT आ जाएगा और एक फायर चार्ज आ जाएगा, और हम लोग अपोनेंट के ऊपर अगर अब अटैक करेंगे तो उसका बेस पक्का तोड़ के आएंगे। बट जाने से पहले अपना इंपॉर्टेंट सामान यहाँ पे रख देना, ताकि वापस आओ तो आपको ज्यादा लूटना ना पड़े। अब आपका रास्ता आपको जल्दी से खुद बनाना है, और इतना ध्यान रखना जब भी अटैक करने जाओगे तो रास्ते बनाने से पहले वूल थोड़ी ऊपर तक लगा देना, ताकि अगर आपके बेस पे कोई अटैक करे आपके रास्ते से तो उसे जंप मार के थोड़ा बहुत डैमेज झेलना पड़े, वो सीढ़ियों की तरह उतर के ना आ जाए। तो जैसे ही आप लोग ब्रिज बना के मेन आइलैंड पे आ जाओगे, तो आपको अपने शिकार को ढूंढना है कि आखिर किसने अभी तक अपने बेड को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करा है। और जो भी आपको दिखे सीधा आपको यहाँ पर स्पीड ब्रिजिंग करते हुए जाना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं होता। अगर आपके ओपोनेंट के पास कुछ इस तरीके का फायर चार्ज हो तो आपको इससे भागना नहीं है, इसे रिफ्लेक्ट करना है। और जो फायर चार्ज आप लोग लेकर आए थे उसका टाइम आ चुका है यूज करने का। कुछ इस तरीके से आप लोग ऐसे जंप कर सकते हो और अपने अपोनेंट को उस जंप को दिखा के डरा सकते हो, मतलब बहुत डेंजरस होता है। और सेम टू सेम इसी तरीके से हम लोग इसको भी मार सकते हैं, जैसे ये जिंदा होगा वैसे इस बेचारे को धप्पा कर दिया जाएगा। वैसे ना इसमें नॉकबैक दोगे तो ज्यादा बेटर है,
क्योंकि नॉकबैक से हम लोग नीचे गिरा के भी अपोनेंट को मार सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये तो थी कुछ बेसिक टिप्स अटैकिंग की एंड डिफेंसिंग की जो कि आपको आनी चाहिए, बट हाँ इसके बाद आती है एडवांस टिप्स जो कि आप लोग बेड वॉर्स खेलते खेलते खुद ही सीख जाओगे, बट एक एडवांस टिप मैं आपको जरूर देने वाला हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको फायर बॉल जंप करके दिखाया था, तो कुछ उसी तरीके से होती है टीएनटी जंप जो कि उससे भी कई ज्यादा लॉन्ग होती है। इसमें बस आपको टीएनटी के ब्लास्ट होने से पहले उसके आगे जंप मारनी है और आप लोग बहुत दूर से एनिमी के बेस पे पहुंच सकते हो। तो अब बारी है फाइनल टिप की जो कि अटैकिंग एंड डिफेंसिंग दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हम गोल्ड एंड आयरन से नॉर्मल शॉप का जितना भी सामान है वो खरीद सकते हैं, बट क्या आपको पता है कि इसमें डायमंड स्पॉनर एंड एमरल्ड स्पॉनर भी होते हैं, पर वो हमारे बेस पे नहीं होते, वो कहीं साइड साइड में होते हैं। जैसे इस तरफ है डायमंड स्पॉनर, इसमें से हमें थोड़ी थोड़ी देर पे डायमंड्स मिलते रहेंगे और इन डायमंड्स का यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन डायमंड से ना गाइस हम लोग अपने लिए तो सामान खरीद ही सकते हैं, बट साथ के साथ अपनी पूरी पूरी टीम के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग नहीं, मींस हम लोग अपनी टीम को अपग्रेड कर सकते हैं, उन्हें परमानेंट आर्मर दे सकते हैं, उनकी शॉर्ट में शार्पनेस लगा सकते हैं। तो उसके लिए बस हमें कुछ नहीं करना, इन डायमंड्स को लेकर आना है टीम अपग्रेड पे, ये नहीं टीम अपग्रेड। और जितने आपके पास डायमंड होंगे उतना आप सामान ले सकते हो, हील पूल बना सकते हो, आप लोग यहाँ पर माइनर फटीक ट्रैप बना सकते हो, ट्रैप ले सकते हो और रेन फोर्स आर्मर ले सकते हो, शार्पनेस लगवा सकते हो सबके शॉर्ट में, ऐसी बहुत कुछ होता है जो कि हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो मेरे पास 5 डायमंड है, तो मैं काम करता हूँ अपने आर्मर पर रेन फोर्स लगवा देता हूँ और अभी हमारे आर्मर हो गए हैं पावरफुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एमरल्ड स्पॉनर भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम वो मैप के सेंटर में रहता है जहाँ बहुत ज्यादा खतरा होता है। बट अगर आप लोग यहाँ से एमरल्ड ले लेते हो तो आपको बहुत अलग अलग चीजें मिल सकती है, जैसे वाटर बकेट हो गया और भी बहुत कुछ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 6 एमरल्ड से आप लोग एक डायमंड आर्मर बना सकते हो जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलो गाइस, आज की वाली बेड वॉर्स टिप्स के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और साथ ही ऑम इन इंडिया के चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि क्या आप बेड वॉर्स में अटैकिंग ज्यादा करते हो या फिर डिफेंसिंग, वैसे दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।